वो क्या है कि हम पेशे से पत्रकार है, पत्रकार में भी वह वाले पत्रकार जो रात को 11 बजे सड़क पर घूमता है। आमतौर पर जो पत्रकार होता है वह रात को अगर सड़क पर निकलता भी है तो किसी अच्छी सी स्टोरी की खोज में। उसे ऐसे चाचा मिल जाते हैं जो सड़क किनारे बिना कम्बल लिए सोए रहते हैं, वह आराम से एक बढ़िया सा वीडियो बनाता है और फिर उस पर मिलियन व्यूज लाकर फिर दूसरे स्टोरी की खोज में लग जाता है। हमने गलती यही किया कि हमने बने बनाए रास्ते को नहीं चुना, उससे हटकर खुद का एक नया रास्ता चुन लिया। हमने जब आधी रात को पटना की सड़कों पर ऐसा नजारा देखा तो हमसे रहा नहीं गया और आप ही के पैसे से फंडिंग जुटाकर हमने निश्चय किया कि रात में जनता जंक्शन की टीम पटना को भी दिखाएगी और बेसहारा लोगों को कंबल भी मुहैया कराएगी। कुछ लोग और मिल गए तो खाने का भी व्यवस्था हो गया। जनता जंक्शन की पूरी टीम रात को 10 बजे कंबल और खाना बांटने पटना के सड़क पर निकलती है। हम इसी क्रम में इस राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों में से एक पीएमसीएच में जा पहुंचे। वहां का नजारा देखने के बाद मन में आया कि जो सरकार यह दावा करती है कि स्वास्थ्य सुविधा को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया है, उसके दावों को दिखाया जाए कि आखिर सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को कहां से कहां पहुंचा दिया है। पीएमसीएच कितना प्रतिष्ठित अस्पताल है इसका नजारा हमने अपने कैमरों से दिखाना चाहा। वर्ल्ड क्लास सुविधा वाली पीएमसीएच में हमने उस शौचालय का वीडियो बनाकर गलती किया जिसको देखने मात्र से ही आपको उल्टी आ जाए। हमने उस जगह का वीडियो बनाकर गलती किया जहां इस कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमने असली पत्रकारिता का धर्म निभाकर गलती किया जो आज की पत्रकारिता में शायद स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब हम लोगों ने पीएमसीएच को दिखाना चाहा तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सबसे पहले हमें रोका। यह सारा वीडियो हम आगे दिखाएंगे लेकिन पहले सुनते जाइए। वहां हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर यह सब दिखाना गलत है तो हम जा रहे हैं। जितनी देर में यह सारी बातें हुई उतनी देर में वहां 15 से 20 की संख्या में सुरक्षा कर्मी आ गए थे। आगे आपको सारा वीडियो दिखाऊंगा जहां वे हमें धक्के मार के निकाल रहे हैं और हम चुपचाप बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन गेट के पास लाकर उन्होंने बिना कुछ पूछे ताबड़तोड़ लाठियां भाजनी शुरू कर दी और सबसे महत्वपूर्ण की वह लाठियां सर पर मारी जा रही थी। एक सुरक्षाकर्मी ने हमारे एक साथी की गर्दन को अपने हाथों से दीवार में दबा दिया और उसके बाद क्या हुआ और लाठी किस प्रकार भाजी गई, पहले उसका वीडियो देख लीजिए। अब सुनिए आगे की कहानी। हमारे लिए अब यह संभव नहीं था कि हम अपने मोबाइल से वीडियो बना सके क्योंकि 15 से 20 की संख्या में मौजूद सुरक्षा कर्मी लगातार लाठियां भाज रहे थे। इसके बाद मुझे बखूबी याद है कि हम प्रशांत भैया और वरुण झा जी पीएमसीएच के सामने वाले रोड पर भाग रहे थे और हमारे पीछे 3 से 4 सुरक्षा कर्मी दौड़ रहे थे। पहली बार जिंदगी में हमें एहसास हुआ कि हम कोई पत्रकारिता करने नहीं बल्कि कोई बम लगाने आए हैं और पुलिस हमारा पीछा कर रही है। हम तीनों वहां से लगातार भाग रहे थे। इस बीच दो दवानों ने अपनी लाठियां फेंक कर मारी। लाठी तो लगी लेकिन हम गिरने से बच गए। हम तीनों लगातार पुलिस से बचकर कई किलोमीटर तक भागते रहे। इसी बीच आप सबको याद होगा कि पेज पर हम लाइव आए थे। लाइव आने के पीछे का मकसद था कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और मेरे पकड़े गए साथियों के साथ सुरक्षाकर्मी जो व्यवहार कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाए। सुरक्षाकर्मियों ने जब अंधाधुंध लाठियां भाजी तो उसमें किसी के सर पर चोट लगा तो किसी के पैर पर। 3 से 4 लाठियां प्रशांत राय जी के हाथ में लगा जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। अब कहानी सुनिए जो हमारे 3 साथी पकड़े गए थे उनके बारे में। हमारे इन तीनों साथियों को पुलिस कंट्रोल रूम में लाया गया और वहां मौजूद ऑफिसर ने कहा कि यह सारे माओवादी हैं जो बच्चों को चुराने आए हैं। उन्होंने इसी बात को लिखने के लिए भी कहा लेकिन हमारे साथी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं जिसमें सर पर कान के पास लाठी लगने से खून किस प्रकार से जम गया है और उनके बर्बरता की निशानी पैर का यह जख्म बता रहा है। एक साथी अमन को मारकर बेहोश कर दिया गया, वे सड़क पर बेहोश होकर गिर गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे राज्य में रहने वाले लोगों के टैक्स से चलने वाले किसी अस्पताल में अब कोई मीडिया वाला नहीं जा सकता है? जो सरकार यह दावा करती है कि उसने स्वास्थ्य सुविधा को कहां से कहां पहुंचा दिया है वो किसी छोटे से पत्रकार के कैमरे से इतना डर क्यों जाती है? अभी आप स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं कि पीएमसीएच के जमीन पर इतनी ठंडक में कैसे मरीज लेटे हुए हैं,
इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्या इनको दिखाना गुनाह था, क्या पीएमसीएच की असली तस्वीर को बाहर लाना कोई पाप है, या फिर अब सिर्फ वही होगा जो इस राज्य में रहने वाले बड़े बड़े अफसर या फिर सत्ताधारी नेता चाहेंगे। शायद हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने उन तथा कथित बड़े पत्रकारों से यह नहीं सीखा कि कैसे आराम से घर में बैठकर भी पैसा कमाया जा सकता है। अब वीडियो अंतिम दौर में है और हमने आपको सारी कहानी और अपनी गलती को भी बता दिया है। अंत में, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।